हाँ जी, सो वेलकम ऑल स्टूडेंट। आज हम नया सॉफ्टवेयर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम एमएस एक्सेल है। एमएस एक्सेल का ये फर्स्ट लेक्चर शुरू हो रहा है, फर्स्ट ट्यूटोरियल शुरू हो रहा है हमारा। ठीक है, तो अभी मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, हाँ, अगर किसी ने अभी बडोगे ट्यूटोरियल सब्सक्राइबर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि नए से नए टॉपिक्स एक्सेल में आने वाले हैं और जो हम इसमें फॉर्मूला करेंगे उससे रिलेटेड भी हम इसमें कुछ फॉर्मूला जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, एडवांस फॉर्मूला, जितने भी एडवांस फॉर्मूले हैं वो भी हम इसमें करके देखेंगे और जितने भी बेसिक फॉर्मूले हैं वो भी हम इस पे करके देखेंगे। ठीक है, तो एक्सेल बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप डाटा एंट्रीज करना चाहते हैं, आप एक्सेल को अगर आप समझ लेते हैं तो आप डाटा एंट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं आ पाएगी। तो डाटा एंट्री क्या होती है, सारा कुछ हम एक्सेल में ही सीखेंगे। ठीक है, फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं, वेरिएबल्स वगैरह क्या होते हैं, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, सारा चीज़ें जो हैं हम इस एक्सेल में सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर शुरू हो रहा है एक्सेल का, जिसका नाम है एमएस एक्सेल, जो हमारा पुराना वर्जन है। जितने भी ओल्ड वर्जन 2007 से लेकर 2013 तक सारे हमारे पास जो एक्सेल होते हैं वो सारे ओल्ड वर्जन में आते हैं। ठीक है, 2013 तक। ठीक है, तो जो नया वर्जन शुरू हो रहा है वो 2016 है। बाय डिफॉल्ट मैंने 2016 ही ओपन करके रखा है। ठीक है, एमएस की फुल फॉर्म क्या बना दी गई है, पहले एक फुल फॉर्म थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म बना दी गई है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365। ठीक है, तो अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो office365.com पे जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो एक्सेल क्या होता है, एक्सेल एक तरह की स्प्रेडशीट होती है। जिन्होंने वर्ड नहीं कर रखा है तो, या फिर जिन्होंने वर्ड कर रखा है तो उसमें क्या होता है, वर्ड में कि वर्ड एक तरह का डॉक्यूमेंट होती है। ठीक है, एक्सेल एक तरह की स्प्रेडशीट होती है, यानी कि उसमें शीट्स बनी होती हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका क्या मतलब है, अगर आप एक ही फाइल के अंदर आप मल्टीपल शीट्स में काम कर सकते हैं। ठीक है ना, उसे कॉल स्प्रेडशीट, इसमें हम कह भी सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, दूसरी बात क्या है कि एक्सेल में हम ज़्यादातर यूज़ फॉर्मूला का करते हैं। ठीक है, हम ज़्यादातर इसमें रूल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, हम ज़्यादातर इसमें डाटा बनाते हैं। ठीक है, हम ज़्यादातर इसमें कुछ आधार कार्ड वगैरह कुछ भी, अगर आप पैम्पलेट्स वगैरह भी बनाना चाहते हैं आप इस एक्सेल में वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, जैसे रोल नंबर वगैरह हो सकते हैं, आप उसका यूज़ करना चाहते हैं आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, जो ओल्ड वर्जन होते हैं जितने भी एक्सेल में, वो सारे वर्जन में आपको एक्सेल एक तरह का बिल्कुल बाय डिफॉल्ट ब्लैंक पेज ही ओपन करके देगा। अगर आप सभी के पास एक्सेल होगा ओल्ड वर्जन का, जैसे 2007 का, एक्सपी का, 2011 का, 2013 का, तो जैसे अगर आप उस एक्सेल को ओपन करेंगे तो आपको डायरेक्ट ब्लैंक पेज ही ओपन करके दे देगा। यानी कि जो लाइंस होती है ना, बस शीट्स, यानी कि ब्लैंक पेज ओपन करके देगा। आप कह सकते हैं ब्लैंक शीट ओपन करके दे देगा आपको। ठीक है ना, लेकिन लेटेस्ट वर्जन में ऐसा कुछ नहीं है। लेटेस्ट वर्जन में इसे नया फीचर दे दिया गया है। अगर आप इसे ओपन करते हैं तो इसमें क्या होगा, आप जब भी इस लेटेस्ट वर्जन को, 2016 से वह शुरू हो रहा है, 2016 एंड 2019, 2021 भी आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपको एक नया ऑप्शन दे दिया गया है कि अगर आप ब्लैंक पेज ऑप्शन में रख दिया गया है, ब्लैंक पेज को भी ऑप्शन में रख दिया गया है, और साथ साथ आपको टेम्पलेट्स भी दे दिए गए हैं। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि अगर आप एक्सेल को ओपन करना चाहते हैं तो आप ब्लैंक पेज लेना चाहते हैं या फिर उसके जो क्या नाम है, जो इनके वो होते हैं टेम्पलेट्स होते हैं, जो टेम्पलेट्स जिसको आप कह सकते हैं, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो उसको आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ओपन डायरेक्ट कर देते हैं लेकिन सामने कुछ नहीं होता, एकदम खाली रहता है। ठीक है, तो एक्सेल ने जो लेटेस्ट वर्जन, जो एमएस माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, इसको नया अपडेट करा है, इसको साथ साथ ब्लैंक पेज को ऑप्शन में रखकर साथ साथ टेम्पलेट्स भी दे दिए गए। अगर आप कोई टेम्पलेट्स यूज करना चाहता है, कई बार होता है हम कोई जैसे रोल नंबर के एडमिट कार्ड बनाना चाहते हैं, हम सोच पाते हैं कि एडमिट कार्ड कैसे बनता है, किस तरह हमें बनाना चाहिए, तो आपको याद नहीं रहता कई बार, हो सकता है। ठीक है, कई बार आइडिया नहीं आते तो एक्सेल कहता हम आपको आइडिया देते हैं, टेम्पलेट्स के जरिए वह आपको आइडिया दे सकते हैं। ठीक है, तो आप टेम्पलेट्स में कोई भी अगर आप काम करना चाहते हैं, आप टेम्पलेट्स में इसमें काम कर सकते हैं।
हाँ जी, दूसरा क्या है, जैसे अगर आप ओल्ड वर्जन की अगर आप बात करते हैं एक्सेल में, तो एक्सेल में हर एक चीज में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक चीज नोट करा है, जब भी आप कुछ फंक्शंस यूज करना चाहते हैं या आप कोई फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, तो वो फॉर्मूला रन नहीं होते, कहीं कहीं ऐसे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बेसिक फॉर्मूला है स्विच का, ठीक है, तो स्विच का फॉर्मूला आप देख सकते हैं आपको एक्सेल में नहीं मिलेगा, ओल्ड वर्जन में कह रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन लेटेस्ट वर्जन में आपको स्विच का फॉर्मूला जरूर मिलेगा, ठीक है। स्विच का फॉर्मूला, जितने भी आप फॉर्मूला करना चाहते हैं, वो सब आपको लेटेस्ट वर्जन में अवेलेबल हो गए हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपने एक फॉर्मूला अगर आपने एक्सेल पूरा कर रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखा तो इसमें क्या होता है, पुराने वर्जन में क्या है, इसमें सेल्स में एरर्स बहुत है, ठीक है। अगर आप सेल में कुछ वैल्यू लिखते हैं और अगर आप उस वैल्यू को एंटर प्रेस करते हैं, तो आपने एक चीज नोट करी होगी, वो वैल्यू चेंज हो जाती है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है ना। तो लेटेस्ट वर्जन में भी इसको अपडेट कर दिया गया है, ठीक है ना। आप सेल्स में आपको कोई एरर नहीं दिखेगा, मिनिमम एक दो एरर दिखेंगे, वैसे पूरा एरर नहीं दिखेगा। तीसरी बात क्या है, आपके एक्सेल एमएस एक्सेल में आपने एक चीज नोट करी है, जब भी आप एक्सेल में काम करते हैं, आपके फंक्शंस काम नहीं करते सही से, ठीक है। तो जैसे अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं, कई बार आप मैंने किसी बच्चे ने मुझे क्वेश्चन सेंड करा था कि सर मेरे एक्सेल में जो फॉर्मूला है, फंक्शंस, जो मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, जो फंक्शंस की होती है हमारे पास, वो रन नहीं होते। तो इस लेटेस्ट वर्जन में वो अब इसको अपडेट कर दिया गया है, अगर आप इसको फंक्शंस का यूज करना चाहते हैं, आप यूज आराम से कर सकते हैं, कोई इसमें एरर पॉइंट आपको नहीं दिखाएगा, क्लियर है। तीसरी बात, कई बार ऐसा होता है हम एक्सेल में कुछ स्टैंड ऑफ करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपने देखा होगा कि कुछ फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग की अगर मैं बात करता हूँ, स्टाइल की अगर मैं बात करता हूँ, तो फॉर्मेटिंग साथ साथ लगाते ही उसमें एरो से आ जाते हैं, ठीक है ना, कि आपने इसमें फॉर्मेटिंग लगा रखा है, इसमें आप फॉर्मेटिंग लगाते हैं, फिर आप प्रिंटआउट में जाकर उसको हटाने की कोशिश करते हैं, फिर वो हट जाते हैं, लेकिन दोबारा फिर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी देखकर एक्सेल में जो लेटेस्ट वर्जन है उसको में भी अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये एक्सेल एक स्प्रेडशीट होती है, इसमें क्या होता है, अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, अगर आप कैलकुलेटर की आप इस्तेमाल करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में, तो यानी कि जैसे आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेटर में क्या होता है कि अगर आप सम करना चाहते हैं, प्लस करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीज अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक एक चीज करना पड़ता है, पहले इस प्लस कर लिया पूरा, ठीक है। प्लस करने के बाद अगर आप माइनस करना चाहते हैं, तो प्लस वाले हिस्से को हटाने के बाद फिर माइनस करते हैं, फिर उसको हटाने के बाद फिर प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको हटाने के बाद फिर उसको डिवाइड करते हैं, यानी कि अलग अलग करके। लेकिन एक्सेल क्या कहता है, आप एक ही समय के अंदर, आप एक ही टाइम के अंदर आप मल्टीपल फॉर्मूले को रन कर सकते हैं, चाहे आप प्लस करना चाहते हैं, साथ में माइनस भी करना चाहते हैं, साथ में मल्टीप्लाई भी करना चाहते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको पूरा ऑप्शन अवेलेबल करके दे देगा। हाँ जी, दूसरा क्या है, जैसे अगर आप देख सकते हैं इसमें जब भी आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें एक वैल्यू दे दी जाती है, जब आप एसी वाला ओपन होता है, एसी आपने देखा होगा कैलकुलेटर में लगा होता है, उसे जैसे आप क्लिक करते हैं, जीरो ऑप्शन आ जाता है, यानी कि सारा चीज क्लियर हो जाता है। तो लास्ट में आपको एक वैल्यू दे दी जाती है जीरो, ठीक है, उसको हम कहते हैं नल वैल्यू। तो इस सेल के अंदर जो आप एक्सेल करेंगे, उस सेल के जितने भी जो टेबल्स बने हुए हैं, जितने भी कॉलम्स बने हैं, जितने भी रो बने हुए हैं, जितने भी बॉक्स बने हैं, उस सबको हम कहते हैं सेल्स, और उस सेल्स के अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई है जीरो। क्यों पड़ी हुई है जीरो, क्योंकि जैसे कैलकुलेटर होता है, वैसे ही एक्सेल का एक छोटे छोटे बॉक्स जो आप देखेंगे, तो उसमें आपको सेल्स, मतलब उसको हम सेल्स कहते हैं, जो कैलकुलेटर के माध्यम से हम इसमें रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज ही एक्सेल के इस इंट्रोडक्शन में। तो अगले ट्यूटोरियल में हम एक्सेल के बारे में जानेंगे कि एक्सेल में 365 कैसा दिखता है, ठीक है। अभी आपको सामने स्क्रीन नजर आ रही होगी, एक्सेल में कुछ इस तरह आपको फ्रेम नजर आ रहा है, ठीक है, इसके बारे में हम अगले ट्यूटोरियल में जानेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।